कलमना पुलिस थाना अंतर्गत एक अनोखा मामला आगे आया है, जहां बंद कमरे से अधेड़ उम्र के पिता पुत्र की लाश बरामद हुई है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गुलमोहर नगर में कुछ दिनों पहले से ही सड़ी गली दुर्गंध फैली हुई थी, लेकिन आज सुबह से बड़ी मात्रा में तीव्र दुर्गंध स्थानीय लोगों को आने लगे। जब इस दुर्गंध के स्रोत की खोज की गई तो इसी इलाके में भेंडे निवास से आ रही थी, जहां 73 वर्षीय शिवदास भेंडे और उनके बेटे 40 वर्षीय हरिदास भेंडे रहता था। जब सुबह 9 बजे के बीच इनके घर का ताला पुलिस की सहायता से तोड़ा गया तो अंदर दोनों मृतावस्था में पाए गए, जिनकी लाश लगभग अपघटित हो रही थी। दरअसल मृतक शिवदास भेंडे सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, जिनकी पेंशन पर ही दोनों का दारोमदार चलता था, क्योंकि हरिदास कोई भी काम नहीं करता था। स्थानीय लोगों के हवाले से 2 दिन पहले दोनों की बातचीत की आवाज़ आई थी, लेकिन उसके बाद से उस बनघर ने ही चुप्पी साध ली। दोनों पिता पुत्र का निकटतम पड़ोसियों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसका शायद इस घटना से संबंध हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन यह हत्या है अथवा आपसी रंजिश का नतीजा, यह तो जांच के दौरान ही पता चलेगा। बहरहाल दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजे गए। आज सुबह 9:30 के बीच में हमें ऐसी खबर मिली कि कोई बॉडी की बास आ रही है, कोई मर के 2 दिन से बॉडी पड़ी हुई है, उसकी बास आ रही है। इसलिए ये बात सुनकर हमारे पुलिस स्टाफ वहाँ पे पहुँचा। ये वहाँ पे पहुँचने के बाद, ये गुलमोर नगर में एक घर है, एक मल्ला, वहाँ पे 2 रूम है उस घर में। पहले ही रूम के सोफे पर एक 40 साल उम्र का लड़का है, हरीश शिवराज भेंडे, उम्र उसकी 40 साल है, वो सोफे पे मरा हुआ मिला। और कम से कम 2 दिन से बॉडी वहीं पे पड़ी थी, डिकम्पोज बॉडी थी, और उसके वजह से खून बाहर निकला हुआ था। जब अंदर जाकर देखा तो उसके पिताजी शिवदास पांडुरे जी भेंडे, उम्र 75 साल के आसपास होगी, उनकी बॉडी नग्न अवस्था में हमें बाथरूम में मिली है। दोनों को हमने बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए मेयो हॉस्पिटल भेजा है। उनके पिताजी NMC में इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर हो चुके थे 10-15 साल से, और जो लड़का है वो कुछ काम धंधा करता नहीं था और दारू के आसानी व्यसनी था, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई थी और रात में रहते हैं। प्राइमा फेसिया तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन, इनकेस पंचनामा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही हमें पता चलेगा। साथ ही आकस्मिक मृत्यु का मामला भी दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN News, नागपुर।